ऑपरेशन कर रही है। थैंक यू। रोज का यही नाटक है इनका। हो गया खत्म। जल्दी से जाकर नहा लो, आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है, टाइम से पहुंचना है, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। हाँ ऑटो। सर एक मिनट, मैं चाबी देकर आती हूँ, तुम यहीं रुकना, ठीक है? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गोगो। एक्सक्यूज मी मैम। न्यू एडमिशन है? हाँ। तुम्हारी मम्मी है? तुम्हारे पापा नहीं आए? इसके पापा नहीं है। सॉरी। इट्स ओके। गो गो एंड सिट देयर। इसको ठीक से देख लो, रोज तुम्हें इसी बस में आना जाना है, 29C। बालाजी नगर आ गया है, जल्दी उतरो। भाई साहब, ये मेरी बेटी है, अकेले जा रही है, जरा ध्यान रखना। ओके हाँ ठीक है बहन जी, बाय। हाँ आप। मैडम ये क्लास में, स्कूल में, ग्राउंड पर डांस करती रहती है, रास्ते पर भी गुंडों के साथ डांस करते हुए देखा है मैंने, और तो और मैयत में भी डांस कर रही थी। हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, हम यहाँ बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, इसलिए इनके पेरेंट्स यहाँ पर भेजते हैं। ये लड़की तो हमारा नाम खराब कर देगी। क्या ये सच है? नहीं मैम, टीचर झूठ बोल रही है, मुझे डांस करना नहीं आता। मैं झूठ बोल रही हूँ? स्कूल में सबसे पूछ लीजिए, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, पहले दिन से इसने डांस करना शुरू कर दिया है। तुमने डांस किया था? मैम डांस मेरे लिए, किसका फोन है? फोन ऑफ करो। चलो सब लोग बाहर जाओ। लकी तुम यहीं रुको। देखा फंस गई। सॉरी मैम, माय मिस्टेक, आज के बाद डांस नहीं करूंगी, सॉरी। किसका फोन है ये? फोन ऑफ करो। मैं पैदाइशी एक डांसर हूँ। हाँ, I love
डांस, फोक से लेकर हिप हॉप तक मेरी रगों में दौड़ता है। बट तुमने जो डांस स्टेप किया वो कुछ नया लग रहा था। लास्ट वीक में ही आया है क्या स्टेप? कौन सा स्टेप? ये वाला कपड़े धोने की तरह जो किया ना तुमने। मैम, ऐसे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो छोटे मोटे स्टेप्स है। आई विल लर्न। मैं तो कोई भी स्टेप कर सकती हूँ पर तुम नहीं कर सकती। आई विल टीच यू, यू ऑल्सो टीच मी दैट लेटेस्ट स्टेप। ओके चलो अब जाओ जाओ जाओ। लकी लैक्स, मैं सुपर डांसर हूँ, ये किसी को बताना मत। सुनो, ए बेबी, ए क्या चाहिए तुम्हें? बेबी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। I'm not baby, I'm Lax. Lax? Yeah. क्या चाहिए तुम्हें? Music. हम लोग यहाँ म्यूजिक नहीं बेचते। मैं भी नहीं खरीदती। अरे थोड़ा रुक कर बात करोगी? कुछ खरीदना है तो ही अंदर रहो, वरना बाहर जाओ। 7 रुपए में क्या आएगा? गुस्सा आएगा मुझे, चाहिए? हाथ में 7 रुपए हैं और नाम है Lax, बाहर निकलो। अंकल प्लीज 5 मिनट्स। अंकल बोल रही है? अरे चल निकल बाहर यहाँ से। 2 मिनट्स। वो सब नहीं होगा, ओनर बहुत ही गुस्से वाला है, बाहर निकलो यहाँ से, जाओ। करण, हाँ? कोई बात नहीं, रहने दो। 2 मिनट्स दूंगा डांस करके निकल जाना। मैंने कब कहा था? हाँ, अभी तो तुमने 2 मिनट्स बोला। करण, हाँ? ऑर्डर रेडी है। सब क्या है बॉस? जाओ। हे! दिखता नहीं है, देख के नहीं चल सकती। क्या हुआ बॉस? ये हे शैतान, तेरी तुम। करण, जाने दे। क्या बॉस, इस बच्ची पर आप इतना रहम कर रहे हो? अगर यही मैं करता तो मुझे छोड़ दे। तुमने ही तो गिराया था। बॉस, क्लीन करो। ऑर्डर देना, साफ सफाई करना, सब एक ही इंसान को करना चाहिए क्या? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मेरी गलती थी, पता है। हेलो, नया स्कूल पसंद आया? होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा? कर रही हूँ माँ। ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया लेवल पे एक डांस कंपटीशन होने वाला है। चैनल 99 इसे स्पॉन्सर कर रहा है। प्राइड ऑफ इंडिया जूनियर 2070 इंट्रोडक्शन सेरेमनी कल मुंबई में धूमधाम से होने वाला है। कमेटी के माध्यम से इंडिया के हर एक स्टेट में कंपटीशन के लिए अलग अलग जगह पर टैलेंटेड डांसर्स के लिए सिलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। अगर आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप शहर के डांस एकेडमी में जाके कांटेक्ट कीजिए। इस कंपटीशन में जीतने वाले को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, इसलिए पार्टिसिपेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हैं। अगर आप किसी टैलेंटेड डांसर को जानते हैं तो आप उसे चेन्नई डांस एकेडमी से कांटेक्ट करने के लिए कहिए। ये इस साल का सबसे बड़ा डांस कॉम्पिटिशन है। और न्यूज ही थी ना माँ? न्यूज से ज्यादा डांस की बातें हो रही थी, तुम पढ़ाई करो। कमेटी
कमेटी के माध्यम से इंडिया के हर एक स्टेट में कंपटीशन के लिए अलग अलग जगह पर टैलेंटेड डांसर्स के लिए सिलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। अगर आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप शहर के डांस एकेडमी में जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। चेन्नई डांस अकादमी स्टॉप के लिए टिकट। डांस एकेडमी तक नहीं जाएगी भाई। अरे सीडीएस जाती तो है। आ जाएगी, लाओ पैसे दो। दोनों का एक ही मतलब है। पढ़े लिखे लगते हो, ठीक से नहीं बता सकते। अरे टिकट तो दो। ये लेडीज सीट है, आगे जाके बैठो। पहले से ही परेशान हूँ, और परेशान करने आ जाते हैं। सीडीएस स्टॉप वाले उतर जाओ। अरे बच्ची रुक जाओ, ये तुम्हारा स्टॉप नहीं है। अरे बेटा किधर जा रही हो? मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। कल सुबह अपने मम्मी डैडी को लेकर आना, एडमिशन ऑफिस में सब पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब पीछे हटो, गाड़ी आ रही है, जाओ। मैम साहब आइए आइए। नमस्ते मैम साहब। माँ, मिस ने कहा कि सिर्फ पढ़ाई लाइफ में काफी नहीं है, अगर ब्राइट फ्यूचर करना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सीखना होगा। एक्स्ट्रा मतलब? पार्ट टाइम, म्यूजिक, डांस। अपनी मिस से जाकर कहना कि तुम्हें म्यूजिक और डांस पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद या आपको नहीं पसंद? अगर मुझे नहीं पसंद तो तुम्हें भी नहीं पसंद। अंदर बहुत जगह है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। ए तुम रुक जाओ, कल तुम सीडीएस स्टॉप पर क्यों उतरी थी? वो मैं नहीं थी अंकल। क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे झूठ बोल रही हो? अरे ए, 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 अरे मैडम वो। बाय बाय। ए शैतान, आज डांस करके कुछ सामान तोड़ा ना तो नाक तोड़ दूंगा। हाय। बॉस देखा आपने कैसे डराया उसको? तुम्हें देखता हूं तो मुझे डर लगता है। पता नहीं उसके लिए मुझे क्यों डांटते हैं। आपकी शादी हो गई है क्या? आपसे पूछ रही हूँ, शादी हो गई है क्या? बच्चे हैं? दिस इज बैड। कल 2 घंटे के लिए क्या आप मेरे पापा बनने की एक्टिंग करेंगे? तू किसी बच्चे की तरह बात नहीं कर रही है, ये सब मुझसे नहीं होगा। गाना सुनो और निकलो। ओह गॉड दिस किड्स। मारो मत मुझे। अरे क्या कर रही हो? हाँ ठीक है ठीक है। अरे अरे कुछ कीजिए ना।
अच्छा उठो उठो अरे बच्चे उठो उठो क्या हुआ पापा अंदर आ जाइए लकी, चलो चलो चलो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम? लकी। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम? कृष्णा। आपकी बीवी का नाम बताइए। बीवी का नाम बताइए। नंदिनी। शॉर्ट में मैं नंदू बुलाता हूँ। नीचे ब्लॉक में सिग्नेचर कर दीजिए। $4,300 सर। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। फीस है सर, आपको पे करना पड़ेगा। हाँ पापा, मैंने पहले बताया था ना। सर कैश और कार्ड? कार्ड। ओके कृष्णा, थैंक यू, बाय। हेलो, काम खत्म हो गया तो कृष्णा बुला रही हो? तुम्हारा नाम यही है ना? कृष्णा ओके, बाय नॉट ओके, चल तेरे घर। ए! लेकिन घर क्यों? तू डांस एकेडमी में आई है ये उन लोगों को पता नहीं, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे फीस भरी है, मैं तेरे माँ बाप से बात करके ले लूंगा। घर पे चलो, चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरी माँ को डांस नहीं पसंद। फिर मेरे पैसे? जब जीतूंगी तब लौटा दूंगी। क्या मतलब? जीतने के बाद दूंगी। पैसे पैसे कर रहे हैं। ए पोकेमोन, ए भैया। हाँ? चाबी। अरे बिटिया इतनी देर क्यों हो गई? ट्यूशन। ट्यूशन? स्कूल में भी फीस लेते हैं और ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए स्कूल नहीं गए। लो घर जाओ। मिस को बताया तुमने? क्या कहा? यही कि डांस नहीं पसंद। स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन, इनमें से कुछ सीखोगी क्या? रहने दो माँ, पैसे वेस्ट होंगे, मैं घर आकर पढ़ाई कर लूंगी। दैट्स माई गर्ल। गुड नाइट। गुड नाइट। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ द नेट फोर्स इज जीरो देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। उस दिन तुमने जो स्टेप करके दिखाया था ना, मैं भी करके दिखाती हूँ, ओके? क्या हुआ? आई विल टीच यू। मिस, हाँ छोड़ो वो सब। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये लकिया पढ़ाई करती है या डांस ही करती है? आपके वॉर्न करने के बाद उसने डांस नहीं किया है, लेकिन मार्क्स बहुत पुअर है। लकी, कम आउट। मैम। अरे जल्दी 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 आओ, क्या कर रही? आजा आजा थोड़ा रुकिए, उससे भी एक सुपर स्टेप है। वो सीखने के लिए मुझे 2 बजे बुलाया था, ठीक है?
मैं आपको पुराना वाला सिखाती हूँ। तुम सच कह रही हो क्या? उससे भी अच्छा स्टेप है क्या? वो एकदम अलग है, आप वो डांस नहीं कर पाएंगी मैम। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जाओ पहले सीख कर आओ, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगी वही स्टेप। पक्का? हाँ पक्का पक्का। तो चलो मैं चलती हूँ। Won't you give me the beat back, give me the beat back, give me, give me, give me, give me, give me the beat back. Won't you give me the beat back? Won't you give me the beat back, give me the beat back, give me, give me, give me, give me, give me the beat back. Master, कौन हो तुम? Lucky, new student. ये सब क्या है? क्या हुआ master? तुम्हारा डांस ड्रेस कहाँ है? मैं इसी में डांस कर सकती हूँ। तुम डांस कर सकती हो, लेकिन मैं अलाउ करूँगी तब ना? पैसा दे दिया तो किसी को भी ले लेते हैं। डांस की कोई इज्जत नहीं है क्या? जाओ तुम पहले अपने ट्रैक और डांस शूज पहन कर आओ, तभी मैं अलाउ कर सकती हूँ। जाओ। म्यूजिक, कम ऑन, रेडी, 1 2 3 गो। 1 2 मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? थोड़ा थोड़ा बॉस। मुझे बेवकूफ बना के तुमने डांस क्लास ज्वाइन किया, अभी तुम्हें ड्रेस चाहिए? उसकी कीमत तुम्हें पता है? 2000 रुपए। आपका पैसा मुझे वापस देना है ना, उसके लिए जीतना होगा। अगर जीतना है तो डांस करना होगा, और डांस करने के लिए ड्रेस चाहिए। समझ में आया बॉस? आप बिग बॉस की नजरों में आ गए हैं, ये टास्क पे टास्क दे रही है, आप सतर्क रहिए। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बोल रही हूँ। अगर पैसे नहीं चाहिए तो जाने दो। पोकेमोन मुझे बुलाया? No, never, not, impossible. यहाँ खाने से फूड पॉइजन होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हाय लकी, कुछ खाया तुमने? तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे क्यों बैठी हो? सारे सब्जेक्ट्स में लो मार्क्स। नया स्कूल है माँ, सब कुछ टफ है। मिस ट्यूशन के लिए कह रही थी। तो फिर ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। उसके लिए फीस भरनी होगी, लगभग 2000 या 2500। उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन ज्वाइन करके अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ओके? स्माइल, दैट्स माय बेबी। लेट हो गया ना? भाई साहब चाबी, आज से लकी घर लेट आया करेगी, उसने ट्यूशन ज्वाइन किया है। आज से? लेकिन लकी, क्या है? धमकी दे रही। ये लीजिए मैडम, शूज ड्रेस। मैं जीतने के बाद पैसे वापस कर दूंगी। ओके? ए, जल्दी से बस में चढ़ो, कहीं भी आपने मन से चढ़ती हो उतरती हो ऐसे आपने बस समझा है क्या? सिग्नल चालू होने वाला है, चलो जल्दी चढ़ो। एक मिनट, मैंने ही लकी को। हेलो, बस में चढ़ो। ये बस क्या तुम्हारी है? अपनी मर्जी से चढ़ रहे हो उतर रहे हो, चढ़ो। चलो चलो। Thank you.
अर्जुन, सुपर्ब। थैंक यू मास्टर। आपके अर्जुन को हराने के लिए पूरे शहर में तो क्या इंडिया में कोई नहीं है। इस साल के प्राइड ऑफ इंडिया जूनियर्स कॉम्पिटिशन में राइट चॉइस अर्जुन ही होगा। आई नो। उधर जाकर खा ठीक है। हम लोग तेरी डांस प्रैक्टिस के लिए डेली अपनी शॉप बंद कर दें। हमारा 2 घंटे का टर्नओवर पता है तुझे? अकाउंट में लिख लो। सब कुछ अकाउंट में लिखने के लिए ये कोई चाय की दुकान है क्या? चाय की दुकान ही तो है। अरे तेरी तो बॉस, एक तो पहले से दुकान में कोई आता नहीं है।
मेरे डांस पर बहुत क्लैप्स बज रही थी, मुझे कंफर्म टीम में सेलेक्ट करेंगे। ए, ये सब उठाकर तू खा रही है, पैसा कौन देगा इसका? मैं जीतने वाली हूँ ना, अकाउंट में लिख लो। अकाउंट जाओ। स्टेट लेवल में सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्राइड ऑफ इंडिया में फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होना एक चैलेंज है, एंड आवर टीम शुड बी द बेस्ट। अर्जुन के इक्वल नहीं हो सकते तो कम से कम उनको सपोर्ट करने लायक तो हो जाओ। मास्टर, लकी बहुत अच्छा डांस करती है ना, क्या हम उसे टीम में ले ले? वो इस साल ही तो ज्वाइन हुई है, उसके बाद इतना बड़ा कॉम्पिटिशन। कब ज्वाइन हुआ ये जरूरी नहीं है मास्टर, कौन बेस्ट डांसर है ये जरूरी है। आपको मैं कॉफी शॉप में फादर जब तुमने ज्वाइन किया था तब सिर्फ तुम्हारी मम्मी आई थी, उन्होंने कहा था तुम्हारे फादर नहीं है। जब ज्वाइन हुई थी तब सिर्फ मम्मी थी। मैडम बीच में कुछ हुआ होगा। सर प्लीज बैठिए। बैठिए ना। सर आपकी बेटी हाफ डे स्कूल आती है और हमारा स्कूल 100% रिजल्ट देता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। जहाँ भी देखो ये डांस ही करती रहती है। पर पढ़ाई पे तो ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, और इसको देखकर बाकी के स्टूडेंट्स भी बिगड़ने लग गए हैं। लकी क्या हुआ? तुम्हारे पापा नहीं है? नहीं है। बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं। क्या हुआ? पता नहीं। बाय। And the next team is going to be Goa Dance Warriors. मैम साहब, चाबी। लेकिन लकी अभी तक आई नहीं, ट्यूशन में भर्ती होने से पहले से ट्यूशन पढ़ रही है, अब ट्यूशन में भर्ती करा दी है तो पता नहीं कब आएगी, जमाना बहुत बदल गया है। लीजिए। क्या बॉस टेंशन में लग रहे हो? वो आज लकी का फाइनल सिलेक्शन है, कहा था खत्म होते ही यहाँ आएगी, लेकिन अब तक आई नहीं। लकी नहीं आएगी इस बात का टेंशन है, या पैसा नहीं मिलेगा ये टेंशन हो रहा है। Get the fuck up out of town before we run your ass down. Underground, how I came out, any nigga try to... चेन्नई स्प्रिंग बूट्स। यस, शुरू कीजिए।
म्यूजिक. 1, 2, 3, 4. So you want to be the one who's better than me. So you want to be the one who can bother me. So you want to be one step ahead of me. क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? हाँ. ये क्या हो रहा है भाई? अरे कमोल यार, डांस करो. क्या हो? Stop की कमोल. अकि तू क्यों रुक गई? Sir, sorry sir. हाँ, जल्दी. One minute. Lucky, क्या कर रही है? ठीक से डांस कर. सर, ओके सर. थैंक यू. कम ऑन लकी, कम ऑन. चलो चलो. हां चल. She will do it. म्यूजिक. 1, 2, 3, 4. So you want to be the one who can love me. So you want to be one step ahead of me. That's what you see. Stop it, stop it. लकी, क्या कर रही हो? हो क्या गया है? क्या कर रही है यार? सॉरी सर, वन लास्ट टाइम सर. आपकी टीम डिस्क्वालिफाइड है. सर प्लीज सर, वन लास्ट टाइम सर. तुम क्या कहते हो, क्या करें? स्टेज क्लियर कीजिए, बाद में देखेंगे. थैंक यू सर. कम आउट. देखा, आप लोग ही कह रहे थे ना अच्छा डांस करती है. इसकी वजह से पूरी टीम डिस्क्वालिफाइड हो गई. डांस को तुमने मामूली समझा है क्या? रोड पर डांस करने वाले कंपटीशन में जा सकते हैं. चलो यहां से निकलो. हम लोगों ने जो 6 महीने मेहनत की वो सब वेस्ट हो गई. तुम्हें इस एकेडमी में देखा ना. गेट आउट, गो. लकी, ए, तुम किधर जा रहे हो? ए, तुम लोग चलो, चलो. लकी वापस आओ. लकी को देखा आपने? नहीं नहीं देखा. ए, चलो चलो आगे बढ़ो. ए, खिड़की मत खोलो, पानी अंदर आ जाएगा. भाई साहब, आपने लकी को देखा क्या? चढ़ती है इस स्टॉप से, लेकिन उतरती है CDS बस स्टॉप पे. CDS? चेन्नई डांस एकेडमी. पता नहीं क्या चक्कर है. से झूठ बोलकर डांस क्लास में जाती हो? हाँ, सॉरी मां. आंखें खोलिए. धीरे धीरे धीरे. गॉड इज ग्रेट, इज आउट ऑफ कोमा. मास्टर, आर यू फाइन? नंदिनी, हमने होटल जाकर देखा, वो हमारे पहुंचने से पहले निकल गई. फोन भी नॉट रीचेबल था. उसकी शादी फिक्स हो गई है ऐसा हमने सुना है. सॉरी मास्टर. अब रो मत, दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? क्या बॉस, 2 दिन से लकी का कुछ अता पता नहीं है? मैं उसके स्कूल में जाकर देखूं क्या? नहीं, पास में ही है, जाकर देख लेता हूं. ऑर्डर लो. हेलो, Thank you.
क्या हुआ मैडम? हमें भी पता नहीं है, जब से आई है तब से रो ही जा रही है। हम लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन रोना बंद ही नहीं कर रही, इसलिए हमने आपको बुलाया सर। लक्की, लक्की, ये आपकी ड्रेस का पैसा है। फीस के पैसे मैं बड़ी होकर जब काम करूंगी तब लौटा दूंगी। सॉरी। क्या हुआ, क्या बात है? मुझे डांस नहीं करना, मुझे डांस नहीं आता। किसने बोला? मास्टर। चलो चलते हैं। कहाँ? कृष्णा मत जाओ, मास्टर डांटेंगी। आपकी टीम को परफॉर्म करना तो आता नहीं है और चले आए कंपटीशन में, इस तरह आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। प्राइड ऑफ इंडिया कंपटीशन की एक इज्जत है, यहाँ परफॉर्म करना बड़े बड़े टीम्स का सपना होता है। सर लक्की की वजह से प्रॉब्लम हुई। हमें आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं। सर प्लीज, आपको जाना होगा। प्लीज सर, वन मिनट। तुम्हें यहां आने से मना किया था ना, तुम्हारी वजह से यहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। गेट आउट। ये कौन है, इन्हें क्यों अपने साथ लाई हो? मास्टर, लकी के पिताजी है। लकी को वापस ले लो, शी कैन डांस। हेलो, आपको पता है ये क्या है? ये कंपटीशन है, डांस कंपटीशन। आपकी बेटी स्टेज पे डांस का एक भी स्टेप नहीं कर पाई, इसकी वजह से हम लोग डिस्क्वालिफाई हो गए। लेकर जाइए सर, प्लीज लेकर जाइए सर। यूसुफ, वीके का फाइनल रिहर्सल चल रहा है। वहाँ जाके बैठो। नहीं नहीं, तुम पहले अपना डांस खत्म करो। Thank you.
ये आपकी बेटी है? सॉरी सर, पता नहीं था। लकी की वजह से हमारी टीम सिलेक्ट नहीं हो पाई। टीम सिलेक्ट होगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुझे आना होगा, तुझे वापस आना होगा, इस टीम का मास्टर बनकर। 12 साल पहले मैंने प्राइड ऑफ इंडिया टाइटल जीता था, लेकिन तब से लेकर आज तक मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि फाइनल्स में तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तू नहीं आ पाया था, और लोगों को लगता रहा कि तू अपनी मर्जी से नहीं आया है। आज भी सब लोग यही बोलते हैं। इस बार मैं तुझे उनके सामने हराऊंगा। मैं यहां आया हूं तो सिर्फ लकी के लिए। ये डांस, ये कॉम्पिटिशन, ये ड्रीम्स मेरा कब का खत्म हो चुका है। प्लीज इन सबको डांस कॉम्पिटिशन में शामिल कर लो। अगर तू आएगा तभी ये टीम आएगी। द चॉइस इज योर्स। सर प्लीज सर, आप हमारे लिए आ जाइए। आपका भी प्राइड ऑफ इंडिया ड्रीम था? आज तक मैं अपने लिए डांस करती थी, लेकिन अब से आपकी ड्रीम के लिए मैं आपके ड्रीम को पूरा करूंगी। प्लीज आ जाओ। प्लीज किसी भी टीम को सिलेक्ट नहीं करना है, समझ गए ना यूसुफ? ऑल इंडिया डांस एकेडमी फाइनल से क्यों रिजाइन किया? ये बहुत बड़ी पोस्ट है यूसुफ। अगर मुझे अपनी इज्जत को बरकरार रखना है तो इस कंपटीशन में मुझे मास्टर बनना होगा और वीके को हराना होगा। ऑल द बेस्ट, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। ये सब क्या चल रहा है सर? चैनल के लिए कंपटीशन से ज्यादा टीआरपी जरूरी है। इन दोनों में से कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन इनकी लड़ाई से हमारे चैनल को फायदा होगा। प्राइड ऑफ इंडिया जूनियर्स 2017 का क्वालिफिकेशन राउंड कल खत्म हो चुका है। इस राउंड में शहर के चेन्नई स्प्रिंग बोट्स टीम सिलेक्ट होकर मुंबई जाने के लिए रेडी है। डांस के तूफान मचाने वाले विजय कृष्ण उर्फ वीके चेन्नई टीम के मास्टर बनने वाले है। 12 साल पहले वीके और यूसुफ एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे। अपनी अपनी टीम के मास्टर बनने के बाद ऑडियंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है।
मुंबई डांस एकेडमी के हेड मिस्टर यूसुफ ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है ताकि ये टीम के मास्टर बन सके। चलिए देखते हैं इन टीम्स में से किसकी जीत होती है, कौन सा मास्टर जीता है। मैं तुमसे मिलने के लिए मुंबई आई हूँ, ये पापा को पता चल चुका है। वो तुरंत मुझे चेन्नई बुला रहे हैं। वो बहुत गुस्से में है कृष्णा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कैसी बात कर रही हो, इस वक्त में कैसे, कल फाइनल्स है। तो तुम्हारे लिए डांस कॉम्पिटिशन मुझसे भी बढ़कर है। ऐसा कुछ नहीं है नंदिनी, बस एक दिन वेट करो, फाइनल्स के बाद चलते हैं। पापा नहीं मानेंगे, तुम मेरे साथ अभी आ रहे हो या नहीं। तुम अब कहाँ हो? होटल में हूँ, बस अभी एयरपोर्ट ही जा रही हूँ। तुम वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। देखो अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो तो आओ, वरना कभी मत आना। नंदिनी, कंपटीशन मुंबई में है? हाँ मुंबई में है, तो तुम्हें क्या करना है? तो फिर भूल जाओ, मेरी मम्मी को डांस नहीं पसंद और इसके लिए मुंबई जाना वो नहीं जाने देंगी। कृष्णा कैसे हैंडल करोगे? थिंक लकी, यहाँ कैसे आना हुआ? नया स्टेप सीखा है क्या? नहीं मैम, उस दिन स्कूल में मेरे पापा आए थे ना। हाँ? वो मेरे पापा नहीं है। क्या, तो फिर कौन है वो? वीके। वीके? नमस्ते। मैडम जल्दी जाकर पानी लेकर आओ। हे लकी 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 लकी, यहाँ पे छिड़क छिड़क जल्दी। वीके, आई एम वेरी न्यूरेस्ट फैन ऑफ यू। मैडम मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने के बाद बेहोश हो जाओ। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। कैसे हेल्प चाहिए? प्लीज बोलिए ना। लकी मुंबई क्यों जाएगी? लकी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर आप उसे मुंबई एजुकेशन ट्रिप पर भेजेंगी तो काफी तैयारी के साथ भेजना पड़ेगा ना। कितने दिनों के लिए? अब ये तो वो कितने राउंड पार करती है इस बार, मिनिमम 1 वीक। अगर अच्छे से करेगी, मेरा मतलब है कि पढ़ेगी, तो 10 डेज। मुझे जॉब से छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है और मैं लकी को अकेले नहीं भेजना चाहती। आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ ना, हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल टेक केयर, यू डोंट वरी बेटी। सर, सर, एक बात तो है, वीके को आज तक कोई नहीं भूला और कोई भूल भी नहीं सकता। ये मैं उधर सोऊंगा, इधर इधर, ये वाला मेरा है ना। अर्जुन झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये झगड़ा कर रहा है, उस बेड पर जाओ।
तुम लोग जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, ओके? ओके मास्टर। अर्नॉल्ड, नीचे आओगे? क्यों? डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना ऊपर, इसीलिए डर लग रहा है। पूजा जाओ 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 जाओ। What is this? We just started a rehearsal, sir. Something new? We got all training stuff happening here, sir. Are you sure? Yeah. ये लड़ाई बच्चों की नहीं है, ये लड़ाई मेरे और वीके के बीच है। Sound. Sit. Breathe in. Sir, breathe in? Hands on your lap. Deep breathe. Breathe out. Deep breathe. Breathe out. In. That's good. Sound cut. Sound. So 1 minute, sir. He needs a break. मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर इनकी जान पे चली जाए तो. Sound. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Music. Drop it from me. I'll rent some pizzas. Music. 5, 6, 7, go. Music. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.
हेलो मैम, मैं लकी की माँ बोल रही हूँ। लकी से बात हो सकती है? कौन लकी? वो मुंबई लेकर गए है ना एजुकेशन ट्रिप के लिए। हाँ, तो यहाँ कहाँ होगी, वो तो मुंबई में है ना। मुंबई में है ना। आप रुके, यही कहीं होगी। अरे लकी, जरा जल्दी आओ। क्या हुआ मेरे साहब? अरे बीच में कहाँ, ये भाग में बहुत टेंशन में हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, क्या आप थोड़ी देर होल्ड करेंगी? ओके मैडम। हेलो, मैं आपकी सरू बोल रही हूँ। बोलिए मैडम, कैसी हो आप? ओह, मैं ठीक हूँ, बस आपको नहीं देख पा रही हूँ, इसका दुख है। क्या बात है? क्या बात है मतलब? अरे हाँ, वो लकी की माँ ना लकी से बात करना चाहती है। एक मिनट रुकिए, मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस में लगाती हूँ। 1 मिनट। बैक रोल मास्टर। एग्जैक्टली। लकी, तुम इस तरफ। माँ, मैंने माँ से बात कर ली, तुमसे बात करना चाहती है, ये लो। ब्रीद इन। हेलो लकी, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ माँ। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। सॉरी बेटा, मुझे छुट्टी नहीं मिली, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर आती। कोई बात नहीं माँ, 10 दिन की ही तो बात है। आई मिस यू सो मच। मिस यू टू। बाय, गुड नाइट। बच गए। सर, 2 दिन के अंदर फर्स्ट राउंड सिलेक्शन होने वाला है और बच्चों ने अब तक एक भी स्टेप नहीं सीखा। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग, यही सब हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कैसे जीतेंगे सर? कॉल देम। स्टॉप 1.55। म्यूजिक 1.54। 1.55। minutes. सर, सभी बच्चों का स्टैमिना इंक्रीज हुआ है सर। हम जैसे बोले वैसा डांस करना जरूरी नहीं है, एनर्जी लेवल म्यूजिक के लास्ट सेकंड तक होनी चाहिए। सिद्धार्थ राइट में डांस करेगा, राइट? ओके। लकी सेंटर। सर, लकी को फर्स्ट राउंड में स्टेज के फ्रंट में नहीं रखेंगे, बैक रो में ट्राई करते हैं। अगर वो डरेगी भी तो शी इज इन सेंटर। क्या हुआ, यहाँ आकर क्यों बैठी हो? मुझे डर लग रहा है, मास्टर ने जो कहा वो सच है ना? अगर मेरी वजह से हार गए तो कल मैं डांस नहीं करूंगी। हेलो जूनियर्स एंड डियर सीनियर्स, A big grand welcome to everyone present here in Mumbai tonight. Everyone must be waiting to see their little legend set the stage on fire. Pride of India Juniors 2017. Let's welcome the first contestant, the undefeated, the winner for the last 12 years, Mumbai Marvelous. नचना मेरे संग नचना 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 दिल से ही नचना नचना गिरना कूदना लौटना झूमना उठना फिर नचना हिल हिला के नच गुन गुना के नच दिल मिला के नचो We'll be right back.
wanna see that then for sure, honey. Huh? You try to move with us if you dare, baby. Huh? You know something, what? We will show you how. We will not spare you when the lights are all on us. Hey! We will show you how we gonna get it done, honey. Try to move with us if you dare, baby. तब तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, वो आवाज तुम्हारे अंदर के डर को भगाएगा। हमें किसी और के लिए डांस नहीं करना चाहिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए डांस करना चाहिए। Time, we are going to disclose the last 8 teams who are going to enter the mega round. The first team to enter the mega round is Mumbai Marvelous. The next team is Diva Falcons, New Delhi Rockstars, Rajasthan Fusion Dance Academy, West Bengal Rising Stars. The sixth team is Jharkhand Royal Dance Academy. And the seventh team to enter the mega round is Gujarat Dazzling Dancers. Yay! The last team, the eighth team. This team was an underdog. They were the real surprise of the night. And they are from Tamil Nadu.
बाकी सब कहाँ है? कहाँ है? चलो उठो उठो सब लोग उठो, श्रुति अर्जुन उठो चलो कम ऑन। रिहर्सल पर क्यों नहीं आए? हाँ सर, हम लोग सिलेक्ट हो गए ना, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आप भी जाकर सो जाइए। हाँ करेक्ट। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? तुम तो कंपटीशन भी जीत गए ना, निकलते हैं। सर 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 कंपटीशन खत्म हो गया ना, चलो चलो। सर अभी तो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट प्लेस में नहीं, लास्ट प्लेस में। 8 टीम्स है, 8वें नंबर पर आए हो तुम लोग। 8-4 होना चाहिए, 4-2 होना चाहिए और 2-1 होना चाहिए, और ये इतना इजी नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, सब टीम से तुम बेस्ट हो ये प्रूव करना है। सर हम आपके बिना कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? सॉरी सर। अगले राउंड में हार कर जाने से अच्छा अभी जाना बेहतर है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, विल बी नंबर 4। सर विल बी नंबर 2। क्यों हलचल हो रही है पूछ रहा हूं, जिंदा हूं ये बताने के लिए। धरती क्यों घूम रही है ये तू सवाल करेगा क्या? कुछ समय में पेड़ उगेंगे और फिर उन डालियों से पत्ते भी, फिर उस पत्ते से संगीत बनकर लहराएंगे। खोया हूं पर टूट कर बिखरा नहीं, पंख खोकर पक्षी जमीन पर गिरेगा, गिरकर भी हम लहराएंगे, हमें पैर से कुचलो मत, आसमान में उड़ने दो। हमारे इस हलचल को कुछ लोग डांस भी कहते हैं, पर हम उसे अपनी सांस मानते हैं और वो रुकनी नहीं चाहिए। गाने को रोक कर देख रहा है तू, रुक जाएगा तू ऐसा सोच रहा है क्या? हम अपने दिल की धड़कन से धुन बनाएंगे, हम रास्ते को जोड़कर एक मंजिल बनाएंगे, तब तू क्या करेगा? हमारे हलचल को देखने की जरूरत नहीं है, हमें शबाशी देने के लिए तालियों की आवाज नहीं चाहिए, बेतुके अवार्ड्स नहीं चाहिए। ये डांस तेरे लिए नहीं है, हमारे लिए है। कभी हम नदी बनेंगे, जंगल को चीर कर अपना रास्ता बनाकर, टेढ़े मेढ़े होकर, गिर कर चढ़कर, छोटे होकर बड़े होकर, उछल कूद कर पाएंगे। क्यों इसकी वजह मत पूछना, अगर ये पता चल गया तो हम इंसान बन जाएंगे। Yeah.
लकी उठो उठो चलो उठो लकी। ए श्रुति वेक अप आनंद कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नोट कर कंपटीशन के लिए। सर इन दोनों में से दिस वन। ओके सर। अर्जुन तुम्हारा फोकस डांस पर नहीं है, वॉच योर स्टेप्स मैन। मैंने सर अर्नोल्ड। मैं नहीं सर। अर्जुन तुम जाकर बैठ जाओ, आज तुम्हारा डांस रिहर्सल नहीं है। दो साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी सर। डांस सिखा दिया, डिसिप्लिन क्यों नहीं? रेडी रेडी मैंने वीके की सारी बातें सुनी, उसका फोकस सिर्फ उस लड़की पर है, लकी पर। वेरी सेल्फिश, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तुमने उस पर बहुत मेहनत की होगी। अगर वो नहीं है तो फिर टीम भी नहीं है, मुझे उसकी कद्र है, पर शायद वीके को उसकी कद्र नहीं। Junior 2017. First team is Mumbai Marvelous. Jashn zindagi ka lagayenge, mast raat ki masti mein nachenge, pair hila ke beat ko todenge. Aa re nacho re masti karo re. Ho ho bolo hey, bolo ho 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 hey. Jhumo 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 re. गुड गुड, अब हम नेक्स्ट है, चलो चलो।
सर अर्जुन कहाँ है? पता नहीं सर, फोन करके देखो ना। टाइम हो गया है माँ, चलो चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वर्मा कंपटीशन? तू डांस नहीं करेगा। माँ जाओ, सोफिया मैम को फोन किया था, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चेन्नई स्प्रिंग बूट्स, प्लीज बी ऑन स्टेज फास्ट। अर्जुन नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को पता है, ऑडियंस को तो नहीं पता। सर परफॉर्मेंस के समय एक लड़का एक्स्ट्रा दिखेगा। मतलब तुम में से किसी को निकलना पड़ेगा। अगर मैं टीम में नहीं रहूंगा तब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारी टीम के पास वीके सर है। मामा, माँ प्लीज, माँ माँ मेरी बात सुनो, माँ रुको ना, आप ऐसा क्यों कर रही हो? माँ रुको, चलो माँ, माँ प्लीज, माँ रुको, चलो अर्जुन, माँ सॉरी सर, गुस्से में मैं भूल गई थी कि आप सिर्फ हमारे लिए यहाँ आए हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाई सर, हम लोग जा रहे हैं। माँ, माँ गलत नहीं है, एक माँ होने के नाते मेरा बेटा अर्जुन जीते ये सोचना गलत नहीं है।
तुम्हें जो आया वो गुस्सा नहीं, प्यार था, और ये मैं समझ सकता हूं। अपने टीम में वन ऑफ द बेस्ट डांसर अर्जुन, कभी जीता नहीं ऐसी प्रैक्टिस करनी है, और कभी हारा नहीं ऐसा परफॉर्मेंस। अंदर जाओ, जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 4 रेस्ट करो, कम ऑन वन मोर टाइम। ओके गेट अप रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 4 सॉरी मैम, मैं आपको बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ वो तो है, पर कोई बात नहीं। सोच रही हूँ छुट्टी लेकर वहाँ आ जाऊँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है आपको ऑफिस में बहुत काम रहता होगा ना। वो क्या है कि अब तो सिर्फ एक ही राउंड बचा है, मेरा मतलब है कि एक ही सेशन बचा है, उसके बाद तो हम खुद ही वहाँ आ रहे हैं, है ना? ओके मैम, जरा एक बार लकी से बात करवा देंगे प्लीज। अब क्या बताऊँ, अब पता नहीं इस वक्त लकी कहाँ होगी। बुलाती हूँ। लकी? हाँ मेसा। जरा एक मिनट रुकेंगे, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, आप होल्ड करेंगे? Thank you.
अमेजिंग। Juniors 2017 is Mumbai Marvelous. Representing their team would be the extremely talented Ashish. And the second team is, any guesses? The one who is going to compete with Ashish in the final solo round is Lucky, sir. Lucky, jump. Of our Pride of India Juniors 2017. इस बार भी एक्सीडेंट का बहाना करके फाइनल से भाग मत जाना वीके, क्योंकि मुझे तुम्हें सबके सामने हराना है। ऑल द बेस्ट। हेलो, लकी कहाँ है? वो मुंबई गई है दीदी। तुमने न्यूज़ देखी है? क्यों, क्या हुआ? पहले तुम न्यूज़ देखो। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लकी एंड आशीष, आवर टॉप टू डांसर्स ऑफ द बिगेस्ट डांस कंपटीशन ऑफ इंडिया एवर। लक्की से बात करनी है। ओके, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, आप कुछ देर होल्ड करेंगी? अह
लक्की उधर है, लक्की की माँ इधर है, और मैं बेहोश हूँ। तो क्या तुमने उनको दिखा दिया? हम इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते। जीत तुम्हारी होगी। एक्सक्यूज मी, चेन्नई टीम, लकी कहां पर है? आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। वीके की वाइफ? लकी मेरी बेटी है, उसका वीके से कोई संबंध नहीं है। मेरा पति मर चुका है। ये सच है? हाँ। लकी, लकी, तुमने फिर मुझसे झूठ कहा? नंदिनी, प्लीज एक मिनट, कल फाइनल्स है। पहले मेरी लाइफ स्पॉइल की और अब मेरी बच्ची की। तुम हमसे दूर रहो। नंदिनी, वेट। तो लकी तेरी बेटी नहीं है? झूठा कहेगा यूसुफ। प्लीज माँ, प्लीज माँ, माँ प्लीज, मुझे कुछ नहीं। प्लीज माँ, प्लीज एक मिनट माँ। तुम चलो यहाँ से लकी। नंदिनी, नंदिनी प्लीज माँ, प्लीज माँ, माँ मुझे जाने दो। नंदिनी माँ सुनो तो। माँ छोड़ो ना माँ। नंदिनी, 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 कृष्णा माँ प्लीज माँ एक मिनट। चलो मेरे साथ चलो लकी। कृष्णा, लकी, लकी, प्लीज माँ, कृष्णा, कृष्णा, चलो, लकी, कृष्णा, क्या कर रही हो? कृष्णा, लकी, कृष्णा, लकी, नहीं। Yes, डॉक्टर, यहाँ लकी के पेरेंट्स कौन है? लकी, लकी तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द हो रहा है क्या? आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? लकी, आई एम सो सॉरी। हेवी साउंड इंपैक्ट की वजह से लकी की एयर ड्रम्स काफी अफेक्टेड हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आप जो अभी कह रहे हैं वो सुन नहीं सकते। आई एम सॉरी। डॉक्टर, इसका कोई ट्रीटमेंट है तो, लेकिन तुरंत नहीं कर सकते। चोट ठीक होने के बाद ऑपरेशन करके देखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग अ हियरिंग एबिलिटी विथ और विदाउट हियरिंग एड्स। Don't worry. Let us pray.
कृष्णा, लकी तुमसे बात करना चाहती है। क्या हुआ? मुझे डांस करना है, कंपटीशन जीतना है, प्लीज। ये मेरा ड्रीम, तुम्हारा ड्रीम। मैं सिर्फ सुन नहीं सकती ना, डांस तो कर सकती हूँ। कृष्णा, जिस डांस की वजह से हम दोनों अलग हुए थे, जिस डांस से मैंने लकी को हमेशा दूर रखना चाहा, वही डांस हमें लकी के जरिए आज एक दूसरे के पास ले आया है। तुम्हारा सपना अधूरा रह गया और इस बात की वजह मैं भी हूं, पर वही गलती मैं लकी के साथ दोहराना नहीं चाहती। कल के कॉम्पिटिशन में लकी डांस करेगी और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, प्लीज प्लीज। By Ashish from Mumbai, Marvelous. But unfortunately, our second performance today by Chennai Spring Boots is not possible. I regret to inform you that Lucky met with an accident and she has lost her hearing. It would have been a public great show. Public ke emotion ke saath khelo. Good. James. Let's all play. Lucky nahi hai to kya hua? Uski team se koi aur dance kar sakta hai. वीके की टीम को डांस करना होगा। यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तुम नहीं करोगे, चैनल करेगा। 12 साल पहले वीके नहीं आया था, जानते हो क्यों? हाँ, हमने उसका एक्सीडेंट करवाया था ताकि तुम जीत सको। मुंबई की टीम के जीतने से हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हैरान होने की जरूरत नहीं, यही सच्चाई है। हमने क्रिएट किया है प्राइड ऑफ इंडिया और साथ में तुम्हें भी। फिर ये लकी का एक्सीडेंट? हमारा प्लान कुछ और है। उस एक्सीडेंट से हमारा कोई मतलब नहीं। जूनियर्स 2017, द विनर ऑफ प्राइड ऑफ इंडिया जूनियर्स। शुभ दिन आया।
जिसका बरसों से इंतजार था, ये इम्तिहान तेरा आज तो बस जीतना है तुझे, ये याद रखना। Thank you.
अच्छा टीआरपी ऐसे भी बढ़ गई। एंड विद दैट अमेजिंग परफॉर्मेंस इट्स टाइम टू अनाउंस द विनर द प्राइड ऑफ इंडिया जूनियर्स 2017 लकी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। शी स्टोल आवर हार्ट्स विद अ फैबुलस परफॉर्मेंस डिस्पाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट द चांसलर ऑफ न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर गणेश शर्मा टू गिव दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड। First time in many years the Mumbai team has been defeated. And we all want to know how do you feel about it? आज जो जीत हुई है वो चेन्नई या मुंबई टीम की नहीं है, डांस की है। ये कॉम्पिटिशन और अवार्ड कोई मायने नहीं रखता। डांस को प्यार करने वाले, डांस को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले, डांस के लिए हर दिन सपने देखने वाले, आप सब प्राइड ऑफ इंडिया हो। सो प्राइड ऑफ इंडिया ड्रीम्स के लिए जो ढेर सारे सपने लेकर आए हैं वो सब यहां आकर इस अवार्ड को ले ले, ऐसी मेरी इच्छा है। प्लीज सब लोग आ जाइए।